जालौन के कोच में काशीराम कॉलोनी में आमीना पत्नी अकबर अली करीब 5 वर्षों से अपने परिवार सहित नए बच्चों के जालौन के कोच में काशीराम कॉलोनी में आमीना पत्नी अकबर अली करीब 5 वर्षों से अपने परिवार सहित नए बच्चों के रहे। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि तहसील के कर्मचारी द्वारा रुपये मांगा जा रहा है, अगर रुपये नहीं दिया गया तो आप अपने आवास को खाली कर देना और अगर खाली नहीं किया तो संपूर्ण सामान पुलिस बल द्वारा फेंक दिया जाएगा। इन सभी का कहना है कि आवास हेतु कई बार आवेदन दिए जा चुके हैं परंतु कोई सुनवाई नहीं है। उक्त कॉलोनी में करीब 40 लोगों के घरों पर ताले लगे हुए हैं क्योंकि ये लोग अपात्र हैं, इनके पास जमीन और एवं मकान है। क्या नाम है भाई आपका? राजेंद्र नाम है मेरा, राजेंद्र सिंह नाम देव। ये कौन सी जगह है? ये काशीराम कॉलोनी है जी। क्या है आपकी समस्या? हमारी समस्या ये है, मेरे पास कोई जगह नहीं है, कोई जमीन नहीं है और हमको कॉलोनी मिली जाए, हम रहना चाहते हैं। मैं परिवार मेरा है, कच्चा परिवार है, परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। आपके पास कोई ज़मीन जायदाद है? नहीं, हमारे पास कुछ नहीं। आपको एक कटिया की जगह नहीं मिलेगी हमारे पास, आप दरियाफ्त कर सकते हैं। हमारे पास एक कटिया की जगह हो हमें ना दो। और DM के पास जाते हैं तो DM कहते हैं चलो ठीक हो जाएगा, हो जाएगा। SDM के पास गए, उनने तो ये कह दिया खाली करो आप। अभी आप कहाँ रह रहे हैं? अभी हम काशीराम कॉलोनी 58 नंबर ब्लॉक कमरा नंबर 4 उसमें हम रह रहे हैं। अब क्या दिक्कत आ रही है? SDM साहब कह रहे हैं खाली कर दीजिए। SDM साहब कह रहे हैं खाली कर दीजिए। SDM साहब, और हम 2016 से फार्म भर रहे हैं जी, खाली करा। शिकायतें DM के पास भी गए हम, SDM के पास भी गए हैं, मंगल दिवस में दिए हैं, IGR में दिए। अभी कौन खाली करा रहा है? अभी स्टम्प SDM साहब ने कहा है हमसे खाली कर दीजिए, खाली नहीं हम आपको जेल कर देंगे। जे भी कहा जेल कर देंगे। आपका नाम क्या है? आमना। आमना, आपका नाम? सबना। क्या नाम है आपका? मैं भगवान दास अहरवार हूँ, भारतीय सोशल समान संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। यहाँ आज मैं कौच कांसीराम कॉलोनी में आया हूँ। मुझे यहाँ के लोगों ने, कई लोगों ने फ़ोन करके बताया। कल मैंने DM साहब से भी मुलाकात की थी, SDM गुलाब सिंह जी से मुलाकात की थी। यहाँ की समस्या ये है कि यहाँ जो गरीब लोग हैं, इनको 5 साल से रह रहे हैं इस कॉलोनी में, उन लोगों को मात्र पैसा नहीं दे पा रहे हैं। पैसे की बार बार डिमांड की जाती है इनसे, पैसा नहीं दे पाते हैं तो इनके सामान फेंकवा दिए जाते हैं। कई लोगों के सामान बाहर फेंकवा दिए गए हैं, कई लोगों को पुलिस के माध्यम से धमकियां दी जा रही हैं कि इनको अभी हाल तत्काल जो है आप कॉलोनी खाली करिए अन्यथा की स्थिति में बाहर कर दिया जाएगा। जिन लोगों की खाली हो गई हैं उनसे आपने मुलाकात की? हाँ हाँ, मुलाकात की है हमने, कई लोगों से मुलाकात की। मेरी ये बहन है, इनसे भी मुलाकात हुई। ये है पीछे, क्या नाम है? आमना। आमना जी से मुलाकात हुई, राजेंद्र जी से मुलाकात हुई, कई लोगों से मेरी मुलाकात हुई। इतने लोगों के मेरे पास फार्म भी आए हैं, 20-25 लोगों के। इन लोगों ने सारी रसीदें हैं, सब कुछ है। मैंने SDM को व्हाट्सएप भी कर दिए हैं, फ़ोन पर वार्ता भी हो रही है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपकी समस्या को देख लेंगे। चलिए, क्या परेशानी हो रही है आप लोगों को? हमको एक मड़ईये चाहिए भैया। कल हम SDM साहब के पास गए थे तो उन्होंने कहा था रहो, कल 2 पुलिस वाले आए थे तो वो कहने लगे क्या बोलते सामान खाली कर देना। तो हमने उनसे कही कि भैया क्या रुक जाओ, तो 2 पुलिस वाले कहने लगे भैया ये कुछ नहीं जानते, शाम तक खाली कर देना, नहीं 2 पुलिस वालों को लेडर्सों को ले आएंगे और सामान फेंकवा देंगे। आई कोई समझ में? अभी आप लोग कहाँ रह रहे थे? आप हम इधर ही रह रहे थे, 53 नंबर में रह रहे थे। अच्छा। तो वहाँ पर मैं खाली कराई जा रही, हमारा सामान फेंका, काशीराम कॉलोनी में रह रहे थे। ये दी गई थी आप लोगों को? रख गए थे मुलायम सिंह, गुलाब सिंह। SDM साहब आप लोगों को दे गए थे कॉलोनी? मिलेगी वही रखे गए थे, जोन में रह रहा वही मिलेगी, जोन में रह रहा वही रहो भाई, मैं उसी में रहो। आप अभी आप लोग आज खाली करवाई जा रही, हम लोगों का सामान फेंका जा रही है, खाली कराई जा रही। बताओ हम कहाँ जाए? हमारी सियानी लड़कियाँ और जो 5 साल से ताले पड़े हुए हैं, उनको कॉलोनी दी गई, उनके पास 4-4 मंजिल मकान है और गरीबों के लिए कुछ नहीं है, जो कैसा अन्याय है। अब हमें अन्याय चाहिए कानून की, और पैसा मांगा जा रहा है 10,000 दो 20,000 दो, हम कहाँ से दे? जब कॉलोनी पास होएंगे हम कहाँ से दे? हमारे पास खाने के लिए आटा नहीं है। आप लोग SDM साहब के पास गए थे क्या? हम गए थे, कल गए थे, 10 दफे एप्लीकेशन पहुँच गई, कोई सुनाई नहीं है मेरी गरीब की। पूरी बेल बेल के बच्चों हम किस तरह से हारे, मजदूरी मेरा
मेरा आदमी सिर्री है, पागल है मेरा आदमी, कोई कुछ नहीं करना जानता है, पागल है, पड़ा रहता है, कहीं कर लिया तो खा लिया, ना कर लिया ना खाया, बेलने के लिए हमारी सियानी सियानी लड़कियां पेट पाल रहे। बोलो भाई कैसे चलेगा, हमें अन्य चाहिए हमें बस इस चीज का। आपको भी काफी राम कॉलोनी दी गई थी, हम 5 साल से रह रहे हैं और अब जी कह रहा है कि कॉलोनी खाली करो, बताती नैना से बच्चों को ले पूरी बेल के बच्चों का पेट भर रहा, जब बच्चों का अपना पाल पा रहा बाप का सहारा नहीं है, बच्चों के लिए कहाँ से लाए। अभी अभी आपकी कॉलोनी खाली करा दी गई, कॉलोनी तो खाली करी नहीं जा रही, मैं किसी और की कॉलोनी में रह रहा है, अब वो कह रहा है कि खाली करो, अब तो वो खाली नहीं करेंगे तो भैया साहब बर्तन फेंक नहीं बाहर, इसलिए एडीएम साहब की भी पास गए थे मंगल दिवस को, ये हमारे पास कागज भी है, तस्वीर हमारे एप्लीकेशन ले गए, मिल जाए कॉलोनी मिल जाए, मिलने का ना मिल जाए, और जो रिश्वत दे रहे हैं उनको कॉलोनी मिल रही, जी बोरा गूंगा भाई है बेचारा बेसहारा आएगा, इसको नहीं मिला तो फिर कौन को मिला बताया, ऐसे बेसहारों जो विधवा है उनको नीचे नहीं मिल रही, जो विधवा नहीं है उनको नीचे मिल रही जी। आपका भी मामला है क्या है तुम्हारा? राबिया, क्या है तुम्हारी दिक्कत? कॉलोनी खाली हो गई, रोड पे रखा रहा सामान, 4 बच्चे आएंगे कहाँ जाए लेके, मैं तो कोई सहारे को भी नहीं। किसने खाली कराई? जिसको कॉलोनी मिली उसने खाली करवा दी। अच्छा, अब तुम्हारा सामान कहाँ है? सामान वहीं पे रखा है। अच्छा, पहले कॉलोनी किसने दी थी आपको? पहले कॉलोनी बटी उन्होंने दी थी चौकीदार ने, बटी आती बटी नहीं आती, ऐसे में रह रहे थे, फार्म भर दिए थे।